शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के BSc कृषि के पंचम सेमेस्टर में अध्ययनरत 122 छात्र एवं छात्राओं का शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम दिनांक 10 अप्रैल से 14 अप्रैल 2014 तक किया जा रहा है। इस संबंध में डॉक्टर राजीव कृषि वैज्ञानिक द्वारा बताया गया, ये भ्रमण दल वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का भ्रमण करेगा। संस्थान के पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं का विकास, बंजर भूमि के पुनर्वास, वन उत्पादकता में वृद्धि, रोपण स्टॉक में सुधार, काष्ठ अकाष्ठ वन उत्पादकों का कुशल उपयोग आदि अनुसंधान परियोजना का भ्रमण किया जाएगा। इन परियोजनाओं के विषय में अधिकारियों, वैज्ञानिक और छात्र छात्राओं के बीच संवाद होगा। उन्होंने बताया, उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित सगंध पौधा संस्थान का भी भ्रमण किया जाएगा। यहां पर पाली हाउस, नेट हाउस, वर्मी कल्चर यूनिट आदि संरचनाओं का भ्रमण कराया जाएगा। यहां पर उच्च तकनीक नर्सरी स्थापित है, जहां पर उच्च गुणवत्ता युक्त पौधारोपण सामग्री तैयार करने की तकनीक को छात्रों को दिखाया जाएगा। डॉक्टर राजीव द्वारा बताया गया, छात्र छात्राओं को देहरादून स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित भारतीय मृदा जल संरक्षण संस्थान का भी भ्रमण कराया जाएगा। यहाँ पर मिट्टी जल संरक्षण की नवीनतम विकसित तकनीक को भी छात्र छात्राओं को दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि व्याख्यान की उपरोक्त संस्थानों के अतिरिक्त रेशम कीट पालन ONGC देहरादून का भी भ्रमण कराया जाएगा। भ्रमण दल की अगुवाई डॉक्टर राजीव, डॉक्टर SN पांडे, डॉक्टर रीता तिवारी द्वारा किया जा रहा है।